देखिए अखिलेश यादव जी ने स्कूलों का भी बड़ा ध्यान दिया, लड़कियों को बहुत पढ़ाई लिखाई के लिए उत्साहित करा अखिलेश जी को। मैं आपको बताऊं, मैं उस नेता को सपोर्ट करूंगी जो महिलाओं के, किसानों के, युवाओं के, इन सबके साथ खड़े रहेंगे, जो इनकी बात करेंगे। अभी 7 महीने हैं, जो भी 7 महीने तक इस बात पढ़ा रहेगा मैं उनको सपोर्ट करूंगी, चाहे वो जयंत जी हो चाहे अखिलेश जी हो। देखिए अभी 7 महीने हो सकता है, तनक से दिनों के लिए कोई नेता दिखा रहा हो, अभी टाइम है, 7 महीने तक देखने दो भाई, बरतने दो। एक लड़की गायब है, उसकी माँ के साथ में कौन खड़ा, लड़कियों के बलात्कार हो जाए उनके साथ में कौन खड़ा। अभी 7 महीने का पीरियड लंबा था, अभी योगी जी तो घने ज्यादा बढ़िया, तो इतने ज्यादा बढ़िया भी नुकसान दे जा, इतने ज्यादा अच्छे आदमी भी नुकसान दे। मंदिर बनाना और देश की जनता को कटोरा लेके बाहर बिठाना, ये थोड़ी खाया भगवान राम ने, तो हमारे देश की जनता को एक रखा इनकी इस हरकत ने। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विकास के नाम पे वोट होगी तो इनको कोई वोट ही नहीं देगा। अब इतनी इतनी सीट नहीं आएंगी तो सीट गिनने में इनको शर्म आएगी। फिर सत्ता का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तब रेस्ट दे दीजिए कुछ दिन को। कहा आप हता रही है, आप हता रही, कुछ बैठ जाएंगे तो 10-5 साल बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत है? नमस्कार, मैं मोहित हूं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं धाकड़ बोलने वाली सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता पूनम पंडित जी। पूनम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल चंगा से। और लखनऊ आके आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, मुस्कुराइए, हम लखनऊ में तो लखनऊ तो वो जगह है जहाँ मुस्कुराते रहिए। अच्छा अच्छा, एयरपोर्ट पर आप खड़ी हुई हैं, जाहिर सी बात है आप फ्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ पर आई होंगी। आपको मेरे अकॉर्डिंग तो मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे बैठेगा, और आज अब फ्लाइट पकड़ कर आना आवागमन हो रहा है, क्या कहेंगे? देखो ये फ्लाइट के जो जहाँ मुझे बुलाते हैं वो लोग बिचारे करते हैं, उनको पता है बहुत छोटे परिवार से। दूसरी बात, वो चप्पल पहन के हवाई जहाज में नहीं उड़ने वाले बात करी थी उन्होंने, उन्होंने बात करी थी किसान की इतनी आय करूंगा वो हवाई चप्पलों से हवाई जहाज में बैठेंगे। अब उन्हें थोड़ी पता था कि बस हवाई जहाज में मोदी जी बैठेंगे, उन्हें थोड़ी पता था इस बात का। अब मोदी जी घूम रहे हैं हवाई जहाज में। अब हमारी बात करें, पहली बात तो जहां हम जा रहे हैं वो हमारी आने जाने की व्यवस्था करते हैं, सभी को पता है मैं नॉर्मल परिवार से हूँ भाई, फंडिंग नहीं आती बड़े बड़े उद्योगपतियों की यहाँ, ठीक है, और ना कोई हमें पार्टी पैसा देती है, तो उन लोगों की व्यवस्था रहती है। दूसरी बात, मैं एक संघर्षशील हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं अपने परिवार को मेहनत से जानती हूँ चलाना, और मेरे फादर साहब की मृत्यु हो गई थी 2013 में, तो मैं तब से अपने परिवार को अपने मेहनत से चलाती हूँ, ठीक है, तो मुझे किसी की फंडिंग वंडिंग की भी ज़रूरत ना, और अभी इस लायक नहीं हूँ जब मैं खुद कहीं पर जा सकूँ, क्योंकि नौकरी कहाँ मिल रहे, कितने इन्होंने दे रखे मेरे से ज़्यादा बेहतर, तुम जानते हो, बाकी जो बुला रहे हैं तो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो बीजेपी को इस बारी भैया कितनी सीटों से आप जिता रहे हैं यूपी में? हाँ, इतनी सीटों आएंगे ये गिनेंगे नहीं, इनको शर्म आएगी गिनने में, इतनी आएंगी। क्यों, मैं समझा नहीं, मतलब कि क्या कहना, खुल के बोलिए। हाँ, मैं बस वही है कि बीजेपी में इनकी ये गिनेंगे नहीं सीट, क्योंकि इन्हें शर्म आएगी, क्योंकि हम ऐसा माहौल ही नहीं बनने देंगे ना। माहौल किसानों का चल रहा है, महिलाओं का चल रहा है, महिला सम्मान की बात चल रही है, आप जैसे युवा हैं बहुत सारे जो बेरोजगार हैं उनकी बात चल रही है, विकास के नाम पर वोट होगी तो इनको कोई वोट ही नहीं देगा। अब इतनी इतनी सीट नहीं आएंगी तो सीट गिनने में इनको शर्म आएगी फिर। तो मतलब कि कहने मतलब साफ है कि बीजेपी को आप मत देने वाली हैं यहाँ पे? देखिए मेरी बात सुनिए, सत्ता का दूसरा कार्यकाल है, शांति देना और रेस्ट करवाना भी जरूरी है, समय के आधार पे परिवर्तन भी जरूरी है। तो 7 साल सत्ता का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तब रेस्ट दे दीजिए कुछ दिन को। कहा आप हता रही है, आप हता रही, कुछ बैठ जाएंगे तो 10-5 साल बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत है? तो रेस्ट करना भी जरूरी है। अच्छा अच्छा, यूपी में सबसे बेहतरीन आपको नेता कौन लगा? देखिए यूपी में युवा नेता है, अखिलेश जी भी हैं, जयंत चौधरी भी हैं, और सबकी प्यारी प्रिय प्रियंका जी भी हैं, सभी चाहते हैं, एक होता है ना कि हम उस नेता को पसंद करते हैं उसको, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, मैं उस नेता को सपोर्ट करूंगी जो महिलाओं के, किसानों के, युवाओं के, इन सबके साथ खड़े रहेंगे, जो इनकी बात करेंगे। अभी 7 महीने हैं, जो भी 7 महीने तक इस बात पढ़ा रहेगा मैं उनको सपोर्ट करूंगी, चाहे वो जयंत जी हों चाहे अखिलेश जी हों चाहे प्रियंका जी हों। योगी जी कैसे? योगी जी तो घने ज़्यादा बढ़िया, तो इतने ज़्यादा बढ़िया भी नुकसान दे जा, इतने ज्यादा अच्छे आदमी भी नुकसान दे, कह मैं ना ज्यादा पढ़े लिखे आदमी भी नुकसान दे। राम मंदिर बना दिया उन्होंने भैया। देखिए ठीक है, अच्छी बात है, प्रभु को नमन, भगवान श्री राम को, लेकिन सत्ता का दूसरा कार्यकाल है, ये पहले कार्यकाल में आए थे मंदिर के नाम पे, तो क्या 20 साल तक मंदिर के नाम पे वोट दिए जाएंगे? क्या भगवान राम ने ये कही थी मंदिर वहीं बनाना? कोई बात नहीं, बना दिया मंदिर, बनाना और देश की जनता को कटोरा लेके बाहर बिठाना, ये थोड़ी कहा भगवान राम ने, ये थोड़ी कहा कि आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, देश के भविष्य को प्रताड़ित करना जब वो हक की आवाज़ उठा मैं, ये थोड़ी कहा। सत्ता के पहला कार्यकाल जो रहा राम मंदिर के नाम पर वोट दे दी लोगों ने बट करके, लेकिन अब क्या 20 साल तक राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे? आप बताइए। लेकिन श्रेय तो जाता है किस बात का? मंदिर बनवाया, देखिए मंदिर किसने बनवाया? इन्हें ना बनवाया,
वो मंदिर बनवाया, इन्होंने चंदा भी तो खाया, 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में, तन्नकसी देर में 18 करोड़ की होगी, वो भी तो उसको भी देखो। दूसरी बात, मंदिर किसने बनाया, आदेश किसने करे, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, चाहे वो जनता है, चाहे वो कोई नेता है, चाहे कोई भी धर्म है, कोई भी जात है, सबके लिए। तो कोर्ट ने आदेश करा, इनकी सत्ता ही, इन्होंने कह दिया हमने बनवाया, हमने बनवाया, ऐसी कह दिया हमने बनवाया, कोर्ट ने करा। भाई आप इस बात को भ्रम मत फैलाओ कि मंदिर इन्होंने बनवाया, इन्होंने नहीं बनवाया, कोर्ट के आदेश थे। क्या कहेंगे 2022 में, क्या चुनाव उन्होंने लड़ने का इरादा है क्या? देखिए मैं चुनाव लड़ूंगी तो बड़ा खराब सा लगेगा मुझे, मैं चुनाव लड़ूंगी एक सीमा दायर हो जाएगी ठीक, लेकिन मुझे त्याग करना होगा, मुझे पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश की जनता ने सपोर्ट किया, देश की जिम्मेदारी है, फिर देश की पूरी जनता ने सपोर्ट किया ठीक, तो उसके लिए हमें त्याग करना बहुत जरूरी, मोह छोड़ना पड़ेगा कुर्सी का, तो 403 विधानसभाओं का रुख करेंगे। मुझे मालूम है टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, अच्छा अच्छा मैं नंबरिंग कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, योगी जी को काम के मामले में 10 में से आप कितने नंबर देंगी? योगी जी को दे देंगे भैया 2 नंबर, ठीक है, मंदिर का मुद्दा उठाया, और बाकी आए बाबा जी 1 नंबर इस बात का, और एक ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इन्होंने युवाओं को प्रताड़ित करा है, युवाओं को परेशान करा है, उसको एक करने में बीजेपी को श्रेय जाता है, किसान जात दिख रही है, अब कोई धर्म नहीं दिख रहा, कोई जात नहीं दिख रही है, और इसको एक करने में उनको श्रेय जाता है, भाई हमारे देश की जनता को एक रखा इनकी इस हरकत ने, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि जब हो जावे तो ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती है ना, तो इसीलिए इनको तो थोड़ा बहुत तो कहना पड़ेगा। अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव को 10 में से आपको कितने नंबर देंगे काम के मामले में? देखिए अखिलेश यादव जी ने स्कूलों का भी बड़ा ध्यान दिया, लड़कियों को बहुत पढ़ाई लिखाई के लिए उत्साहित करा, अखिलेश जी को 8 नंबर देंगे। अच्छा आपके हिसाब से यूपी में आपकी बार किसकी सरकार होनी चाहिए? यूपी में युवा नेता की होनी चाहिए और उसकी होनी चाहिए, जो नेता लड़कियों की बात करे, लड़कियों के सम्मान की बात करे, और महिलाओं की बात करे, और शिक्षा को बढ़ावा देवे, हॉस्पिटल सही करवावे, उनकी बात, उनको हम सरकार बनाएंगे, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे जयंत जी हो, चाहे खूबसूरत सी प्रियंका गांधी हो। ये क्वालिटी किसमें दिखी भाई, क्लियर बताइए ना। देखिए अभी 7 महीने हो सकता है, तन्नक से दिनों के लिए कोई नेता दिखा रहा हो, अभी टाइम है, 7 महीने तक देखने दो भाई, बरतने दो, एक लड़की गायब है उसकी माँ के साथ में कौन खड़ा, लड़कियों के बलात्कार हो जाए उनके साथ में कौन खड़ा, अभी 7 महीने का पीरियड लंबा था, अभी टाइम आने दो, उस दौर जब जो लास्ट तक टिका रहेगा उसको सपोर्ट करेंगे। चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तक हमारे साथ पूनम पंडित जी थी, खैर आपके हिसाब से यूपी में किसकी सरकार होनी चाहिए और आपकी राय क्या है इलेक्शन 2022 के बारे में, अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, और बेबाक बोलने वाली पूनम पंडित जी के बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। हम चलिए मिलते हैं कल नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, बने हमारे साथ, देखते हैं भारत एक सोच, कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। दोस्तों यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।